नमस्कार छात्रों, इसमें अपन लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से त्रैमासिक, छमाही, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम हो, इस तरह प्रश्नों में, इस तरह एग्जामों में यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ठीक है, दो नंबर, तीन नंबर सिंपल प्रश्न पूछ देता है, तो अपन लोग इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर। जी हाँ छात्रों, डीएनए व आरएनए में प्रमुख अंतर या भिन्नता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस फटाफट आंसर जान लेते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे फास्ट मिल सके। ठीक है, चलिए फटाफट अपन लोग क्वेश्चन का आंसर जाते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर या भिन्नता। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने डीएनए लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया आरएनए। आपको इसी तरह मेंशन करना है, एक चार्ट बनाना है बॉक्स, और उसी बॉक्स में फिल करके सब चीज भरना है आपको। यहाँ मैंने लिखा यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, जो डीएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जी हाँ छात्रों, केंद्रक में पाया जाता है, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया गया, लेकिन आरएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये चीज दोनों पॉइंट समझ में आ चुका है आपको। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अपन छात्रों। यहाँ पे यह कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जो डीएनए है वो कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, आरएनए समानता एक सूत्री होता है। ठीक है, एक सूत्री हो गया, एक सूत्र, और ये कुंडलाकार कुछ ऐसा करके होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आई होप ये दोनों चीज समझ में आ गया आपको। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं आप छात्र। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, यह स्वयं अनुवांशिकी पदार्थ होता है। जो डीएनए होता है स्वयं एक अनुवांशिकी पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन क्या, यह विषाणुओं में होता है और अनुवांशिकी का कार्य करता है। ठीक है, आप इसको देखो, समझते हैं, जो डीएनए है वो स्वयं अनुवांशिकीय पदार्थ होता है, मतलब डीएनए स्वयं अनुवांशिकीय रूप से होता है, लेकिन आरएनए जो है यह विषाणुओं में होता है। ठीक है, लेकिन और अनुवांशिकी का कार्य करता है, स्वयं अनुवांशिकी नहीं होता है, लेकिन ये अनुवांशिकी का कार्य करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फोर्थ नंबर में लिखा है, इसमें थायमिन नामक क्षारक पाया जाता है। जो डीएनए होता है उसमें थायमिन नामक एक क्षार पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए का सुरक्षा कवच के काम करता है, लेकिन इसमें क्या, ये चीज इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसको अपन लोग एक बार फिर से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है डीएनए और आरएनए की भिन्नता। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगला वीडियो की सबसे नोटिफिकेशन सबसे फास्ट मिल सके। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, या फिर जहां व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल से अगर हमसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिसको फॉलो करना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पे यह मुख्य मनुष्य के मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, समझ में आ गया। कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है, जो डीएनए की आकृति होती है कुंडलाकार अवस्था की होती है, लेकिन आरएनए की आकृति समान एक सूत्री होता है। ठीक है, यह स्वयं अनुवांशिकी पदार्थ होता है। जो डीएनए होता है स्वयं में अनुवांशिकी पदार्थ होता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो स्वयं में अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ अनुवांशिकी का कार्य करता है। ठीक है, यह चीज हो गया अपन। चौथे नंबर में लिखा है, इसमें थायमिन नामक क्षारक पाया जाता है, जो इसका सुरक्षा कवक होता है, जो थायमिन नामक क्षारक इससे रक्षा करता है डीएनए, लेकिन इसमें आरएनए में अनुपस्थित होता है। आई होप आपको अंतर समझ में आएगा। तो ये वीडियो अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपकी जिगरी यार भी ये सारे क्वेश्चनों के आंसर जान सके और आसान भाषा में समझ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।